टमाटर को 5 रुपए किलो बेच दिया, बैगन को बेच दिया 10 रुपए किलो, अब क्या करेंगे? आलू जो है 10 रुपए किलो मजबूर होकर बेचना पड़ रहा है क्योंकि अरे टमाटर पूरा बस चाचा सस्ता हो गया ते कल फेंका था गागा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं पहुंच गया हूं ज्वाली का सोमवार का मार्केट, और जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मेरे पास कल के डेट में जो मार्केट किया था वो बहुत सारा सामान बचा हुआ था। उसके बाद मैं सब्जी बेचने के लिए फेरी गया था सुबह मॉर्निंग में, उसके बावजूद भी मेरे पास देखेंगे आप लोग कि सामान बचा हुआ है, काफी सामान बचा हुआ है। अरे टमाटर पूरा बस चाचा सस्ता हो गया ते कल फेंका था गागा। चाचा बरसात हो थे उनको भी ले जाओ 15 रुपए किलो लगाओ सात बजकर 15 मिनट के समथिंग हो चुका है, और आप लोग को बताना चाहूँगा कि मार्केट का माहौल फिलहाल अभी काफी ज्यादा मतलब ग्राहक लोग का खरीदारी हो चुका है और अभी भी हो रहा है। और देखा जाए तो मेरे पास सामान में फिलहाल थोड़ा सा टमाटर है, बैंगन है, और ये मुनगा थोड़ा सा, और ये आलू। और यार आज मार्केट जो अभी फिलहाल तो कम ही चल रहा है, इस नाम से थोड़ा बहुत करके सस्ता वस्ता करके चला दे रहे दे दे रहे भाई साहब। अब फाइनली बेचने पर पता चलेगा कि मैं कितना का बेच पाया हूँ, और जब तब तक देखिए मार्केट को कि मार्केट में और मेरा सामान जो है कितना जो है बिकता है उसको। तो फाइनली अब मार्केट समाप्त हो चुका है, और ये देखिए मेरा सामान भी अब पैक हो चुका है, और चलिए आप लोगों को घर जाकर दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास और कितना सामान बाकी है, क्योंकि मैं और सामान को यहाँ पर नहीं लाया था, और क्योंकि पता ही था कि मार्केट अभी वीक चल रहा है। तो घर में पैसा भी काउंट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि मैं 2 दिनों में कितना भी तक बेच पाया हूँ उसको। फिलहाल आप लोग मार्केट को देखिए कि मार्केट जो है अभी सूना हो गया है, अब व्यापारी लोग भी अपना अपना सामान पैक कर कर जाने लगे हैं, और ये मेरा सामान भी पैक हो चुका है। तो देर न करते हुए चलो चलते हैं घर की ओर। ट्यूसडे का आप लोग को गुड मॉर्निंग। तो इसके साथ आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि कल के डेट में मैं सामान बेचकर आ गया, और उसके बाद में मेरे पास अभी भी बाकी है सामान। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास सामान इधर देखेंगे साइड में पूरा, ये बैगन है, इसमें लौकी है, और ये वाला तो खैर टमाटर पैकेट है 1 करेट, मतलब ये टमाटर 1 करेट, और इसमें है धनिया, मिर्ची, अदरक वगैरह, थोड़ा सा आलू भी बाकी है, और आप लोग को बताऊं कि इधर जो है बहुत सारा मुनगा बाकी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यार आप लोग को बताना चाहूँगा क्योंकि मैं संडे का सामान लाया था, संडे का सामान को मैंने बेचा, उसके बाद मंडे को मैं चला गया फेरी, और फिर मार्केट मंडे को शाम को, उसके बावजूद भी मेरा सामान जो है बचा हुआ आप लोग दिखाया हूँ कितना बाकी बचा हुआ है। और आप लोग गेस कर सकते हैं कि अभी मतलब मार्केट का माहौल किस हद तक गिर चुका है उसको। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी चलते हैं फेरी के लिए, और फेरी जाएंगे और बेचते हैं, उसके बाद फाइनली आप लोग को मैं आज घर आकर बताऊंगा कि मैं 3 दिन में क्या कमाया कि नहीं कमाया उसको। तो ठीक है चलिए मैं चलता हूँ अब फेरी के लिए। फर्स्ट जो है बुहनी हुआ है लौकी और मुनगा का, तो 40 रुपया का हुआ है इनके द्वारा, भाभी जी के द्वारा, पैसा को रख लेते हैं, और चेंज इनको 10 रुपया होता है तो देखते हैं, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। मिल गया ले जी, ठीक। तो चलिए ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केटिंग कैसा रहेगा उसको। ठीक है, फेरी करते करते मैं पहुंच गया हूं मुढ़ाली, और मुढ़ाली में यार क्या करे, बिक नहीं रहा है सामान, तो क्या करे, एकदम से सस्ता में बेच दे रहे हैं। टमाटर को 5 रुपए किलो बेच दिया, बैगन को बेच दिया 10 रुपए किलो, अब क्या करेंगे? आलू जो है 10 रुपए किलो मजबूर होकर बेचना पड़ रहा है, क्योंकि जो मतलब अभी के डेट में कहा जाए तो सब्जी खरीदने वाले कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गाँव है भाई, गाँव में थोड़ा बहुत सामान जो है निकल जा रहा है,
इसलिए सस्ता करके बेचना पड़ रहा है। ये देखिए मेरे पास फिलहाल अभी के डेट में खाली ये मुनगा बाकी बचा हुआ है थोड़ा बहुत। तो लगभग अभी 11 बज चुका है और मैं अभी दिवाली में सब्जी बेचने के लिए आया हूँ। तो चाचा जी के द्वारा काफी सारा मुनगा ले लिया गया है और फाइनली देखेंगे कि मेरा सामान जो है अब समाप्त हो चुका है। तो चलो चलते हैं अब घर की तरफ और आप लोग को घर जाने के बाद बताते हैं कि अभी जवाली गांव में बेचने के बाद में आप लोग फाइनली बताता हूँ। तो चाका बूढ़ा, फिर दुली कछार, फिर मुढ़ाली और ये लास्ट में जवाली बेच, चार गांव बेचने पर मेरा आज सब्जी 11 बज गया है लगभग बिक पाया है। तो घर जाने के बाद पता चलेगा कि मैं कितना कमाया हूँ उसको। तो घर जाने के बाद आप लोग बताता हूँ कि हाउ मच प्रॉफिट। 2250 रुपये में सामान खरीदा था, ठीक है, संडे को। और संडे को मतलब जो सामान खरीदा था उसको मार्केट में बेचा था 750 रुपया, ठीक है। उसके बाद में कल के डेट में मतलब सोमवार को, तो सोमवार को हम मैं गया था फिर सुबह फेरी, फिर शाम को गया था मार्केट, फिर अभी मतलब आज के दिन यानी कि ट्यूजडे को मैं फेरी गया था। फिर अभी इतना बेचने के बाद में, इतना पेट्रोल मतलब समाप्त होने के बाद में आपको बताने चाहूंगा मात्र 250 का प्रॉफिट हुआ है। आप लोग सोच सकते हैं कि 250 कितना है तीन दिन में, हो जाता है, ऐसा होता है, अक्सर होता है। फिर भी तो भाई साहब आप लोग तो 5 रुपए कम कराने ही लगते हैं। आप लोग सोचिए ना, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि अगर कुछ भी चीज का प्राइस 40 है तो 30 करो बोलेंगे, 30 है तो 20 करो बोलेंगे, साथ में धनिया भी थोड़ा सा खरीदे दो बोलेंगे, है ना। ज्यादा मार्जिन जरूर रहता है सब्जी में, लेकिन वेट भी तो, वजन तो भी तो भगता है ना। और मान लीजिए किसी को बंदा को भी लेना है 1 kg, अगर वो 250 ग्राम एक्स्ट्रा है तो क्या हम उसको काट कर देते हैं? नहीं ना। सॉरी अगर कुछ बोल दे रहा हूँ तो, आई एम सो सॉरी। और ठीक है, आपको बता ही दिया कि तीन दिन में मैं 2250 रुपये का खरीदा था जिसमें मैं 250 रुपये का कमाई किया हूँ। और क्या भाई, बस इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।